नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ICICI प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आप लोगों ने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफी सही रहेगा और उन लोगों के लिए तो काफी बेहतर रहेगा जो बार बार अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए और उनको क्रेडिट कार्ड मिल नहीं पाता है। ये क्रेडिट कार्ड एकदम फ्री है, इसमें ना कोई ज्वाइनिंग फी है ना कोई आपको सालाना फी लगेगी। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपकी जो सैलरी होनी चाहिए वो सिर्फ 15,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप कम से कम 50,000 रुपए महीने उस बिजनेस से कमाना होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड में कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है, एकदम बेसिक क्रेडिट कार्ड है, तो फीचर्स इसके जो है वो भी काफी बेसिक से है। अगर आपका पहला क्रेडिट कार्ड ये होने वाला है तो उसके हिसाब से काफी सही है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को कम सैलरी पे यानी कि 15,000 रुपए महीने पे ले सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर सिविल बिल्ड करके आप नया क्रेडिट कार्ड जो आपके मन पसंद का है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड के थोड़े बहुत बेनिफिट है जो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी पेट्रोल डीजल इस कार्ड से भरवाएंगे तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना खाते हैं तो 800 प्लस ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको 15% तक का कैशबैक और डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा आप इस क्रेडिट कार्ड पे कहीं भी शॉपिंग करते हैं, खर्च करते हैं तो आपको 2 पेबैक पॉइंट्स मिल जाते हैं पर 100 रुपीज खर्च करने पे। अगर आप वैसे ऑनलाइन इंश्योरेंस वगैरह का पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां पे आपको 100 रुपए खर्च करने पे 1 पेबैक पॉइंट मिल जाता है, जिसको रिडीम करके आप अलग अलग तरह के वाउचर ले सकते हैं पेबैक एप्लीकेशन के अंदर। और इसके अलावा जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट होती है मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनके ऊपर जब भी कोई ऑफर आता है जिसमें ICICI कार्ड पे कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। मौजूदा मिंत्रा पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है ICICI क्रेडिट कार्ड पे, तो वो भी आप इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर ले पाएंगे। तो यही सारे फीचर्स थे इस क्रेडिट कार्ड में। काफी बेसिक सा क्रेडिट कार्ड है, लेकिन अगर आप नए हो और थक गए हो अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड्स के लिए नहीं मिलते तो ये मिल जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी उम्र जो है वो 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप जॉब कर रहे होने चाहिए। आपकी सैलरी जो है वो 15,000 मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी 50,000 होनी चाहिए। आधार कार्ड आपका जो है आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी काम करेगा और इसके अलावा एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपका आधार कार्ड काम करेगा। अगर आधार कार्ड पे आपका एड्रेस सही नहीं है तो आप जो है रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई यूटिलिटी बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आपके नाम से, या फिर आपका टेलीफोन का बिल आता है, ब्रॉडबैंड का बिल आता है, तो आप उसको भी लगा के एड्रेस को वेरीफाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बिल लगा रहे हैं टेलीफोन का या ब्रॉडबैंड का, वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आपका सिविल स्कोर नहीं है, क्योंकि आपने पहले कभी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं किया है, तो आपको 2 महीने की सैलरी स्लिप लगानी होगी। जो आपको सैलरी मिलती है उसके बारे में डिटेल उसमें हो, 2 महीने तक की आप लगा सकते हैं, लेटेस्ट होनी चाहिए। लेकिन आप उनको लगा देंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड ये मिल जाएगा। इसमें आपको सिविल स्कोर अच्छा होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है मिनिमम क्राइटेरिया को पास करने चाहिए और सैलरी स्लिप लगा के आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर आपके पास कभी आपने क्रेडिट कार्ड नहीं रखा है तो आप इस बेसिक क्रेडिट कार्ड से शुरू करिए और मैं गारंटी आपको देता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आपकी सैलरी 15,000 है और एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ के पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो इस क्रेडिट कार्ड को आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।